हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर, एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा हम क्लास 11 साइंस फिजिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें हमने ऑलरेडी दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, ये दो लेक्चर में हमने कवर किया है। आज हम लेक्चर नंबर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले बेटा जो कि लिखा है आपके सामने, एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, और सबको पता है जब वेलोसिटी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन वेक्टर। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन वेक्टर। अगर एवरेज की बात करें तो हम एवरेज एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं डेल वी बाय डेल टी। क्या बोलेंगे इसको? डेल वी बाय डेल टी। तो ये जो डेल वी होता है बेटा, ये डिपेंड करता है, ये एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है जिसके लिए हम आई कैप यूज करते हैं, y डायरेक्शन में भी हो सकता है जिसके लिए हम j कैप यूज कर सकते हैं। z डायरेक्शन का भी मैंने लिया होता है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है तो टू डायमेंशन की बात हो रही है तो मैंने टू ही लिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल v। अगर इसको और एक्सप्लेन करता हूँ आगे, तो डेल वी एक्स को मैं डिवाइड करूंगा डेल टी, तो यहाँ पे आई कैप, और डेल वी वाई को डिवाइड करूंगा डेल टी, तो यहाँ पे आ जाएगा जे कैप। तो यहाँ से जो आपका एक्सेलरेशन बन जाएगा बेटा, इधर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा, और इधर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है वाई डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे लूंगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन वेक्टर। इसका अगर मैग्नीट्यूड हमें लेना है तो आई का कोएफिशिएंट प्लस y का कोएफिशिएंट, इसका हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, तो ये बन गया आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। यही पे अगर हमें डायरेक्शन पूछी है तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, y बाय x होता है बेटा, तो y एक्सिस पे क्या आएगा बोलो आपका, ay, और x एक्सिस पे आपका आएगा ax। यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो tan इनवर्स ऑफ ay बाय ax, ये बन गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है।